साहब क्या कर रहे सर हैं? नेट नहीं चल रहा है भाई, सुने से हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन बाबू किसी भी पॉलीनोमियल में बाबू डिफरेंट तरह से तरीके होते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं ना बाबू। 5 6 7 लिखा है आपको, तो उसी मेथड में पहला जो लिखा है तो बाबू आपको कैसे लिखा है बाबू? कॉमन से, है ना। फैक्टराइजेशन करना कैसे? कॉमन लेके, मतलब बाबू आपको जो पॉलीनोमियल दिया हो रहा है बाबू उसमें कुछ कुछ टर्म क्या होगा? कॉमन होगा, दोनों में कॉमन होगा। तो जो दोनों में होगा उसको क्या निकाल देना, ब्रैकेट के बाहर लिख देना है तो वो कॉमन हो जाएगा। अगला जो बाबू आपका टर्म क्या बाबू? ग्रुपिंग करके, यहाँ पे बाबू क्या करोगे, जो एक जैसा टर्म होगा ना उसको एक जगह से पेयर बना दोगे। उसके बाद उसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकाल के फिर बाबू क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो जो कॉमन करने का तरीका तरीका बोला वो आगे बाबू सब वाला में यूज होगा, है ना, सभी में यूज होगा। इसीलिए इसको मन से पढ़ना है कि नहीं रोशनी, है ना। अभी नहीं आई रोशनी जी, उसका नेटवर्क नहीं पकड़ता। लक्ष्मी कैमरा डाउन करो। तो देखो बाबू इसको कह रहा बाबू फैक्टर करने के लिए, तो कैसे मेरा बच्चा करेगा? तो इस दोनों में क्या कॉमन है सर? 5a² 20ab। तो जो जो चीज दोनों में सेम है ना उसको बाबू ब्रैकेट के बाहर लिखना रहता है। ऐसे ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो यहाँ 5 है सर, यहाँ 20 है, तो 20 में 5 आएगा। सोचो 20 को बाबू, 20 में 5 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा सर। तो कैसे लिख सकते हो इसको? 5 हो गया, ए स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए मल्टीप्लाई ए, है ना। हाँ सर। -20 है तो 20 को फैक्टर कर लेना, 20 को फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 10 और 2 से करोगे तो 5, यही होगा ना। मतलब 20 को क्या लिख सकते हो सर? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और ए हो गया, बी हो गया, है ना। अभी आपको बच्चा जैसा सिखा रहा है, आगे इसका यूज होगा भोला बड़का क्वेश्चन में। आगे जब इसका बड़का क्वेश्चन में यूज होगा तो वहां पे ऐसे तोड़ तोड़ कर ना बताएंगे, इसीलिए अभी सिखा रहे हैं, सीख लो। अब ये दोनों में देखो कौन कौन चीज सेम है। एक ब्रैकेट देना, दे दिए सर। इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखो? तो जो चीज दोनों में सेम है क्या क्या मिल रहा है? 5 मिला सर, दोनों में 5 5 मिल गया ना जी। हाँ सर। और क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है सर, यहाँ भी ए है सर, इसमें भी ए है। इसके सिवा और दोनों में कुछ कॉमन है? दोनों में और कोई नंबर वेरिएबल वगैरह है? नहीं है। यहाँ ए, एगो तो ए है सर, एगो ए हो गया ना। अब यहाँ ए है, इसमें ए नहीं ना, नहीं। तो जो चीज दोनों में रहेगा उसको ब्रैकेट के बाहर लिखना रहेगा। तो इस ब्रैकेट के बाहर 5 हो गया, ए हो गया, क्या हो गया, 5 ए हो गया। हाँ सर। तो 5 ए ब्रैकेट के बाहर हो गया तो बचा का ए, बचा ए लिख दो। आगे माइनस है, माइनस लिख दो। और क्या बच गया? 5 ए बाहर हो गया तो क्या बच गया? देखो 2 2 b बच गया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना, 4, और ये b है ना। तो यही आपका हो गया, कितना आसान है सर। इसमें से कॉमन निकालोगे, यही आपका हो गया फैक्टर हो गया। क्या हो गया? फैक्टर हो गया, ठीक है ना। ये ललीपॉप वाला कौन वाला? ललीपॉप वाला है ना भोला, आसान वाला, ठीक। इसका आगे यूज करेंगे बड़का बड़का क्वेश्चन में। तो पहले भी छोटका सीखेगा तब ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। नहीं समझ में आया, 72 नंबर देखो, है ना। 72 नंबर में क्या कह रहा है सर? 72 का क्या कह रहा है? मन से पढ़ना बहु मनीषा साहू। 5x² / 22, रोना नहीं है जी, -20x/22। तो डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो, अभी बच्चा जैसा सिखा रहे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना बाबू। आदित्य बाबू ऑन करो जी। ठीक, कौन है जी? कृतिका बोली वीडियो ऑन कीजिए। कैसे करोगे मेरा बच्चा? एकदम ललीपॉप की तरह बच्चा बच्चा खेलोगे। 5 हो गया सर, एक्स को क्या लिखोगे? x² को 2 बार, x² मतलब 2 बार एक्स मल्टीप्लाई होगा बाबू असमायरा। 22² बाबू, तो 22 कई बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार, ठीक सर। आगे मेरा बच्चा क्या करेगा? माइनस है। 20 को अभी बताएं बाबू क्या लिखोगे? 2 2 5 लिखोगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। x y है तो x y लिखेगा, मल्टीप्लाई x y। अब ये दोनों में देखो कौन कौन चीज बाबू सेम है। जो जो सेम रहेगा उसको ब्रैकेट के बाहर लिखना, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक ब्रैकेट देना और इसके बाहर लिखना। तो क्या क्या सेम है? 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 5 दोनों जगह है सर। हाँ सर। और क्या सर? एक्स है सर, एगो एक्स यहाँ है सर, एगो एक्स यहाँ है। और है सर 22 भी है सर, तो एगो 22 यहाँ है सर, एगो 22 यहाँ है। इसके सिवा और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है लक्ष्मी तो छोड़ देना, अकुटाना लक्ष्मी खोली, होमवर्क बहुत दिन से नहीं भेजी हो। तो
क्या होगा, जो जो बाबू घेरल है उसको बाहर लिखो ब्रैकेट के, तो 5 हो गया, x हो गया, 22 हो गया, 5x 22 बच क्या गया, x अब 22 बच गया, इसमें x 22 हो गया माइनस, 2 2 जा 4 हो गया, और क्या बच गया इसमें, तो तीनों सेलेक्ट हो गया, तीनों ना हो गया, 5 भी घेरा, ये 22 भी घेरा लग गया, तो 2 2 4 बच गया। हाँ सर, मतलब इसको फैक्टर करोगे भोला मेरा, तो क्या बनेगा, 5x 22 इंटू कितना, x-4y, है ना, तो इस चीज को डायरेक्ट करे लसी, 5 अब बाबू 5 अब 20 में क्या कॉमन, 20 में 5 आता है ना बाबू, तो यहाँ से 5 निकाल दोगे, तो 20 में से 5 निकलेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 20/5 बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, तो डायरेक्ट निकाले ल सीखना, नहीं समझ में आया आगे सीखो, 73 नंबर है ना। हाँ सर, 73 में क्या करा बाबू शिवेंदर, है ना हर्षित, 3a^4 बोला b² - 6ab³ है ना। हाँ सर, यही तो कह रहा है। ठीक बाबू, ए कृतिका बोली, वीडियो ऑन करो ना जी, कृतिका ऐसे जैसे तान ऑन करो, अब इस दोनों में क्या कॉमन होगा सर, सोचो कितना थकाओगे जी, है ना, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या सर, 3 6 एक ब्रैकेट देना, और 3 या 6, तो 6 में भी तो 3 आईबे करता है ना जी, 3 के टर्म 6 आता है कि नहीं आता। हाँ सर, शांति से सुनना, तो ये बाबू यहाँ से 3 6 में बाबू 3 × 2 होगा ना, मतलब ये वो 3 बाहर निकलेगा डायरेक्ट, अब सोचो यहाँ एक, यहाँ 4 a^4 मतलब कई गो, ए 4 गो, कई गो स्मायरा, ए 4 गो है, यहाँ 1^1 है, यहाँ 1^4 है, 1^1 है, तो छोट का कॉमन बाहर निकालना, यहाँ 1 के गो है ना बाबू, यहाँ 4 है, तो छोट के निकलेगा, तो 1^1 बाहर निकल जाएगा, यहाँ b^2 है, b^3 है, तो क्या बाहर निकालोगे, b^2 है, b^3 है, तो कौन सा बाहर निकलेगा, b^2 छोट का बाहर निकलेगा, ये दोनों में जो छोट का रहेगा दोनों जगह प्रेजेंट रहेगा, ठीक से, तो b² बाहर हो गया। अब बाबू इसमें से बाबू 3a^2 बाहर हो गया, तो बचा क्या, बचा क्या, बचा क्या, बचा क्या, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से सुनो, 3 बाहर हो गया, इस टर्म में से 3 बाहर हो गया, 4 में से 1 पावर बाहर हो गया, एक के पावर में बाहर हुआ जी, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 में से 1 पावर चल गया, तो 1 के 3 पावर बचेगा, ठीक, b² तो बाहर ही हो गया, छोड़ दो, आगे माइनस है माइनस हो, 6 में से 3 बाहर निकल गया, तो 6 में से 3 बाहर निकलेगा कितना बचेगा, तो 6/3 कर देना, क्या 6 में से 3 बाहर, तो 6/3 कितना, 2 कर देना, ठीक। नेक्स्ट देखो, 1^1 बाहर निकल गया, 1^1 ए पूरा का पूरा बाहर निकल गया, और b^3 है, अब बाहर कितना निकाले, इसमें से बाबू कितना, b^2 बाहर निकालें, तो 3 में से 2 पावर बाहर निकल गया, तो b^2 बचेगा, 3 - 2 कितना पावर बचेगा, 1 बचेगा, तो 2b^1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 73 नंबर है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बोला, डायरेक्ट सीखो ना, कितना लॉलीपॉप की तरह बच्चा की तरह सीखते रहोगे, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है, ठीक, नेक्स्ट बोला है ना, इसको हम ग्रुप में भेज दिए भोला बाबू, है ना, जो नहीं लिख पाए हो है ना, ग्रुप से लिख लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, पहले समझ लो उसके बाद लिखते रहना, भेजा है ना जी। हाँ बाबू भेज दिए, ठीक, नेक्स्ट बाबू है ना, नहीं लिख पाया ग्रुप से लिखना, हम भेज चुके हैं, आगे समझो, ठीक भोला है ना सर। हाँ सर, इसको थोड़ा सा टाके लिख दो, कितना था सर, 5x/y है ना, नेक्स्ट 73 हो गया, 74 नंबर समझो, कौन सा 74 नंबर, देखो क्या करा, ठीक ठीक बोला, 74 नंबर क्या करा बाबू, 36a³b है, और -60a²b है, 60 क्या है, a²bc है, तो इस समय पहले नंबर है ना, तो नंबर में सोचो क्या कॉमन होगा, रौनक शैतान, नंबर में बाबू क्या कॉमन होगा, वही आपको बाहर निकालना है ना बाबू, कि कहाँ गए जी, ऐसे ताना समायरा कहाँ गए बाबू, हाँ बैठे हुए शांति से, एकदम शांति से सुनते चलना बाबू, बोली ठीक, तो क्या कॉमन बाहर होगा, तो आपका अगर बाबू 36 और 60, इसमें क्या कॉमन बाहर होगा सोचो,
सिक्स सर, सिक्स तो दोनों में आता, ट्वेल्व भी आता सर, सबसे बड़का नंबर कॉमन कौन होगा, तो ट्वेल्व वो 36 में भी आता और 60 में भी आता, तो दोनों से क्या बाहर होगा कॉमन, ट्वेल्व हमारा ना समझ में आता था, नहीं समझ में आता तो 36 को फैक्टर करना, नहीं समझ में आता था टू से कितना करोगे 18, टू से कितना करोगे 9, और टू थ्री से कितना करोगे 3, यही करोगे ना, मतलब 36 को क्या लिखोगे, टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, ये हो गया। एक क्यूब भी है तो एक क्यूब को कैसे लिखोगे, ए तीन बार पावर तीन है, मतलब तीन बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर बी है तो मल्टीप्लाई बी करोगे, माइनस 60 है तो 60 को फैक्टर करो, नहीं आता समझ में तो बच्चा के जैसा सीखो, 60 को फैक्टर करोगे भोला है तो कैसे लिखोगे, 60 को फैक्टर करोगे तो 2 से 30, 2 से 15 और 2 से 3 से 5, यही लिखोगे, 9, 5 सर कि नहीं, ठीक ठीक सर, मतलब टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर मतलब पावर टू, दो बार लिखोगे मल्टीप्लाई बी सी, हो गया। अब इसमें जो कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर निकालो, दे तो बोला इससे भी आसान है बाबू बच्चा के जैसा, इसमें देखो ब्रैकेट दे दो, क्या क्या चीज मिल रहा है, दो एगो मिला सर और मिला सर, तीन दोनों में है सर, देखो दूसरा दो भी है तो दूसरा दो भी करेंगे घेरा लगाएंगे, बोली तीन भी है सर, तीन को भी घेर दिए सर, और कुछ है सर, एक को तीन मिल रहा है, एक को तीन मिल रहा है ना जिसमें नहीं है, आगे चलो ए मिला सर, ए इसमें भी बोला आगे सर, फिर एगो और ए है सर, एगो और ए यहाँ पे हो गया, बी और ए यहाँ पे है सर, एरा में ए नहीं बचा, बी सर एरा में बी है, एरा में भी एगो बी है, एरा में सी है, एरा में सी नहीं है, है ना, तो ऐसे बच्चा जैसा कर सकते हो कि नहीं भोला। हाँ सर, जो जो बाबू घेरा लगल है उसको बाहर मल्टीप्लाई कर दो, सर टू मल्टीप्लाई कितना, टू मल्टीप्लाई थ्री, टू टू थ्री, टू टू जब फोर थ्री ट्वेल्व, कितना होगा ट्वेल्व हो जाएगा, ए ए है तो ए मल्टीप्लाई ए कितना, ए स्क्वायर बी हो गया, घेरा वाला को हमने क्या क्या, ये दोनों में जो जो घेरा है उसको एक के बार बाहर लिखना, क्या बच गया, यहाँ थ्री बच गया सर, यहाँ से ए बच गया है ना, माइनस हो गया, इसमें क्या बच गया, -5 है, ये 5 है बाबू, तब 5 हो गया, और वो कितना हो गया सी हो गया, तो -5 सी हो जाएगा, तो यही होता है बाबू कॉमन करके, यही क्या होता है कॉमन करके, जो चीज दोनों में कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देते, तो यही नाम क्या, कॉमन मेथड है ना, फैक्टराइजेशन बाई कॉमन करके, जो जो चीज दोनों में सेम था उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, है ना। हाँ सर, ये हो गया 71 नंबर, 72, 73, 74, एगो 75 है, शांति से सुनना, एगो काला छोड़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट बोला, देखो बाबू उसके बाद लिखते रहिएगा, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझेगा निकू, और नहीं लिखा निकू तो ढूंढ देंगे, कितना 75 बाबू, 6 × बाबू 2a+3b के स्क्वायर है, -8 × बाबू 2a+3b है, ठीक सर, अब सोचो इसमें क्या कॉमन होगा, रोशनी या बिट्टू और गौरव शैतान, सोचो आदित्य भोला क्या कॉमन होगा, ये 2a+3b के स्क्वायर है ना सौ, हाँ सर, तो स्क्वायर का मतलब दो बार, स्क्वायर का मतलब सेम चीज कई बार मल्टीप्लाई रहेगा दो बार, तो 6 × 2a+3b है ना बाबू, 6 × 2a+3 स्क्वायर है, मतलब ये कितना बार मल्टीप्लाई होगा, दो बार होगा, तो 2a+3b, ठीक ठीक सर, स्क्वायर का मतलब सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई होगा, हाँ सर, -8 × 2a+3b, ठीक, अभी दोनों में का का चीज कॉमन है, प्लस माइनस से सेपरेट वाला ई एगो टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, तो ये दोनों में कॉमन क्या क्या चीज है सोचो, 6 8 में क्या कॉमन होगा, ऐसा कौन सा बड़का नंबर होगा वो जो 6 के भी टेबल में, जिसके टेबल में 6 भी आ जाए 8 भी आ जाए, सोचो 6 8 में ऐसा कौन सा बड़का नंबर होगा सर, जिसके टेबल में 6 भी आ जाए 8 भी आ जाए, तो दो बाबू, दो के टेबल में 6 भी आता 8 भी आता, 3 के टेबल में 6 आता 8 नहीं आता जी, 4 के टेबल में 8 आएगा 6 नहीं आएगा, तो आप तो इसको फैक्टर करके भी देख सकता है, और नहीं वो तो डायरेक्ट सोचो 6 और 8 में कौन सा बड़का नंबर हो जो दोनों के टेबल में प्रेजेंट रहना चाहिए, एक के वो नंबर बाबू 2 है, क्या बोला 2 है बाबू,
टू लिखेंगे। अब 2a+3b, या 2a दोनों टर्म है, ये वाला टर्म बाबू दोनों जगह ना प्रेजेंट है, इसको घेरा मारो ये वाला शैतान। हाँ सर, तो ब्रैकेट देंगे, क्या देना, ब्रैकेट देना, ब्रैकेट के बाहर ये वाला टर्म दोनों जगह प्रेजेंट है ना। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा, 2a+3b, ये टर्म में से एगो बाहर निकल गया, तो एगो बचा ना बाबू, क्या बच गया, 2a+3b। हाँ सर, आ इसमें से क्या बच गया, ये तो बाहर ही निकल गया, तो 8 में से बाबू है ना भोला। नेक्स्ट बाबू, अब देखो ये 6 में से बाबू 2 बाहर निकला, क्या निकला, 6 में से भोला मेरा 2 बाहर निकला, तो अंदर बचेगा ना जी, 6 में से 2 ये ना बाहर निकला बाबू, तो क्या यहाँ बचेगा बाबू, ध्यान शांति से पढ़ना, 6 में से 2, 6 डिवाइड बाय 2 कितना, 3 हो जाएगा, 6 में से तो 2 बाहर निकला तो इसमें 3 बचेगा ना भोला, नहीं तो फैक्टर करो, 2 मल्टीप्लाई 3 2 कितना हो जाएगा, 2a+3b, ठीक, करली ब्रैकेट यूज कर लो। माइनस 8 में से बाबू 2 बाहर हो गया, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 4, करली ब्रैकेट क्लोज करो, तो इसका फैक्टर करोगे तो यही होगा, क्या होगा, यही होगा है ना, यही होगा, यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लिखो बोला। तो ये क्या था, कॉमन करके था, क्या का था, कॉमन करके था है ना। नेक्स्ट, सर सर हाँ जी, इसमें 3 और 2 अलग से नहीं कर सकते हैं, 3 और 2 को गुना करके। गुना कर सकते हो, क्या दिक्कत है, गुना कर दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। ब्लर दिख चलिए रहा है सर। बाबू, अस्मायरा बोले, जल्दी लिखो जी, बेचारी अभी बाबू दुखियारी है, कॉन्सेप्ट बेसिक उसका क्लियर नहीं है। हुआ बिट्टू साहब जी, लिखो, हाँ सर, लिखिए अस्मायरा बाबू, रोशनी नेटवर्क ने उसका पकड़ रहा है, कृतिका स्वराज भोला कहाँ रह गया जी, लिखो, हर्षित शिवेंद्र आदित्य बाबू लिखो जी, रौनक कहाँ गया जी, ये रौनक शैतान, ये भी शैतान मन से पढ़ता नहीं बाबू। ये रौनक बाबू कहाँ है जी, जल्दी लिखो, लव रौनक, सर नेटवर्क उसका भाग रहा, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, इसी में धीरे धीरे हम लोग लेवल राइज करते चलेंगे, तो हम बेसिक से शुरू किए हैं। जल्दी लिखो लक्ष्मी, जल्दी लिखो अस्मायरा भोली, लिखिए अस्मायरा, कॉपी चेक करेंगे, बोली नहीं लिखा हो रहा है बहुत, तो पिटाओगे भी, क्लास जी रौनक, वाईफाई बंद हो गया जी, जल्दी कीजिए, लिखो सजल भोली, पीछे क्या कर रही सजल, सर लिख लिए। सर समझाते रहते जखनी लिखते रहती हो जी, चलिए जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू, कृतिका बोली जल्दी लिखे, जल्दी लिखो शिवेंद्र बाबू, क्लास बोला लिख स्वराज बाबू,
शैतान। ठीक है बोला, चलो लिख लिया सारा बच्चा, लिखी लक्ष्मी। यस वाह लक्ष्मी। नेक्स्ट बाबू, ये कौन सा मेथड था सर? फर्स्ट वाला था आपको कॉमन करके, है ना, ग्रुप बाबू, है ना, कोई भी वेरिएबल बाबू कॉमन रहेगा तो उसको हम लोग इसी तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। ठीक सर, बात तो समझ में आती है यहाँ तक कि नहीं? अब सेकेंड क्या बाबू, रीग्रुपिंग ऑफ टर्म है। टर्म को आपको क्या करना है? रीग्रुप करना, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं सर यहाँ पे बाबू? देखो जो जो चीज बाबू कॉमन था दोनों, कॉमन कहने का मतलब क्या सर, दोनों में प्रेजेंट था। जैसे दो गो टर्म रहे चाहे तीन गो टर्म रहे, तो दो दो चीज, जो जो चीज दोनों जगह प्रेजेंट था उसको क्या किया, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, और बाकी जो दोनों जगह नहीं प्रेजेंट था उसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया, यही ना किया आशुतोष शैतान। हाँ सर, तो ये कौन सा मेथड हुआ? कॉमन मेथड हुआ। इसको आगे हम लोग यूज करेंगे, है ना बाबू, है ना, जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो। ठीक ठीक बोला। यस माय राइट, ऑन करो बाबू। अब सेकेंड वाला कौन आता है सर? रीग्रुपिंग आता है ना, रीग्रुपिंग मतलब आपको जो भी टर्म दिया उसको रीअरेंज करो, है ना, और उसमें से कॉमन करो, है ना, वो ग्रुपिंग बनाइए, ग्रुप बनाइए और कॉमन कीजिए। ठीक, जो नहीं लिख पाए बाबू रिकॉर्डेड देखिएगा, हाँ नहीं तो भोले बाबू, है ना, रिकॉर्डेड वगैरह देख लेना मनीषा साहू कल वाला बोले, है हाँ सर, ना, कल वाला देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। बोलो बाबू वैष्णवी। हाँ सर बोलिए सर। नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते सर। छुट्टी में सर आते कहाँ हैं जी? सर आते हैं सर, हमेशा तो आते हैं, लेकिन आप ही लोग नहीं मिलते तो क्या किया जाए सर। पिछले भी बीच एक बार तो फोन किए थे ना सर, लगता कहीं जा रहे थे तो। हाँ तो फिर टाइम, हाँ, होमवर्क बना के नहीं भेज रहा, 3 बजे भी नहीं आती है। तब हाँ तब बोलना चाहिए ना सर, बोलिएगा तब ना। अच्छा अच्छा हाँ सर, ठीक है सर, आते हैं एक आध दिन और क्या, देखते हैं संडे उंडे को टाइम मिलता आके ढूंढते हैं। ठीक है सर, देखो तो बाबू गार्जियन ऐसे होना चाहिए, बुलाते हैं आइए कुटिए, अब जाएगी एकदम धुनाएगी एकदम। नेक्स्ट बाबू, कोई मोह माया नहीं बाबू, पढ़ाई से कोई मोह माया नहीं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर 76 नंबर, है ना, अगला क्या है सर? सेकेंड बाबू ग्रुपिंग करके, मतलब क्या है बाबू, 100 स्क्वायर क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको बोर्ड पे लिखे थे, 100 स्क्वायर प्लस 22 माइनस एक्स बाई और माइनस एक्स, है ना। ठीक बाबू, अब इसको कह रहा फैक्टर करो, तो इसमें कॉमन वाला नहीं ना अप्लाई होगा, कैसे करोगे यहाँ, इसमें एक्स ई टर्म में एक्स नहीं है, तेरा में एक्स बाई दोनों है, तेरा में बाई नहीं है, तो कैसे कॉमन लोगे? सारे टर्म से कॉमन नहीं ना लेते हुए, कॉमन कब अप्लाई करेंगे, जो बाबू सेम वेरिएबल नंबर सब जगह अवेलेबल, यहाँ सब जगह अवेलेबल नहीं ना है, नहीं सर। तो इसको क्या करना, ग्रुपिंग करना, ग्रुप बनाओ, कैसे बनाओ बाबू, है ना, मान लो ये दोनों को एगो ग्रुप बना दो, चाहे एक्स एक्स वाला को एक साथ लिख लो, है ना, जो इच्छा वो करो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको बाबू ग्रुपिंग कर दो, आपको यही दोनों एक साथ रखने का मन है तो इसको रखो, या ये दोनों एक्स वाले को एक साथ रखने का मन है तो एक साथ रखो, जिसको करो आप कैसे भी करोगे आंसर सेम ही आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर बाबू माइनस एक्स बाई सर, ये दोनों को एक जगह लिख लिया भोली। हाँ सर ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये बाई है, ये एक्स है ना, तो प्लस बाई हो गया बाबू, माइनस एक्स हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। नेक्स्ट बोला, अब देखो देखो, सोचो सोचो, ये यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, तो ये दोनों में क्या कॉमन होगा, क्या होगा कॉमन? कॉमन वाला जो माइनस कंसेप्ट है ना, दोनों जगह अप्लाई कर, हर एक में अप्लाई होगा, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर को एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखोगे, माइनस एक्स बाई लिखोगे, और ये माइनस एक्स को पहले थोड़ा लिख दो, क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, है ना, यहाँ एक्स आ जाएगा ना जी, चलो रहने दो, इसी लिखो, आगे हम लोग करेंगे, है ना। ठीक बोलो, अभी दोनों में क्या कॉमन हो गया, यहाँ एक्स एक्स मिल गया जी, ये दोनों में भोला, ये आपको क्या करना है, ग्रुपिंग का, ये दोनों का एगो ग्रुपिंग बना दो, एगो ये ग्रुपिंग बना दो, हो गया काम खत्म।
अभी दोनों में क्या सेम है सर, क्या क्या चीज सेम है? एक्स सेम है, एक्स हो गया, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट एक्स है ना बाबू, दोनों जगह क्या एक्स प्रेजेंट है ना जी, तो एक्स बाहर हो गया ब्रैकेट के, ठीक सर, ठीक है, वो एक्स बच गया, यहाँ क्या बच गया, माइनस बाई, तो एक्स माइनस बाई, एक्स एक्स बाहर हो गया, तो इसमें से एक्स बचेगा ना, और एम से बाई बच गया, प्लस बाई माइनस एक्स हो गया, है ना? अभी दोनों सेम है सर, नहीं ना, तो शनका वाला कल बताए थे कि नहीं बताए थे? शनका वाला आपको बताए थे ना कल बाबू, देखो यहाँ एक्स माइनस बाई सर, यहाँ बाई माइनस एक्स, तो इसको भी क्या करो, एक्स माइनस बाई कर दो, कैसे करोगे? तो ऐसा का वाला कल बताए थे ना बाबू, इसी दिन के लिए ने बताए थे, एक्स इंटू एक्स माइनस बाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लो बाहर, इसमें से माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लेना, माइनस हो गया, तो साइन चेंज हो जाता है, कल कंसेप्ट सिखाए थे, तो बाई का नहीं कुछ है तो प्लस है, तो क्या होगा, माइनस बाई या प्लस एक्स हो जाएगा, है ना? अब देखो थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, एक्स इंटू एक्स माइनस बाई आई माइनस इंटू एक्स को पहले लिख लो, एक्स माइनस बाई हो गया, आई नो आंसर, बस अब हो गया। अब यहां से देखो कौन सा बाबू दोनों जगह प्रेजेंट है, एक्स माइनस बाई दोनों जगह प्रेजेंट है ना, आंसर याद रखना, यहाँ पे नहीं कुछ मल्टीप्लाई है तो वन होता है, किसी भी बाबू ब्रैकेट के आगे नहीं कुछ होता है ना, तो वहां पे वन समझा जाता है बाई डिफॉल्ट, ये ध्यान देना, यहाँ पे स्टार दे दो, यहाँ पे नहीं ना कुछ मल्टीप्लाई सर, तो क्या होगा, वन होगा, ठीक। अब एक्स माइनस बाई दोनों जगह प्रेजेंट है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, एक्स माइनस बाई बाहर निकाल देंगे, ठीक, यहाँ क्या बचेगा, एक्स बच गया, एक्स माइनस बाई बाहर हो गया, तो यहाँ से एक्स बच जाएगा, और ये एक्स माइनस बाई बाहर हो गया ना, तो क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा, ठीक, तो इसको फैक्टर करोगे तो ये होगा। आए सर की सर, हमारा मन में ख्याल आ रहा है ऐसे नहीं कर सकते हैं, किसी का मन करा कंपेयर करना सर, ये दोनों पे एक जगह रह दीजिए, मतलब क्या बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस एक्स बाई और माइनस एक्स, हम अरेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, तो बच्चा मेरा गलत हो जाएगा, नहीं बाबू गलत नहीं होगा, है ना कि नहीं मनीषा साहू, है मनीषा साहू नीचे क्या देख रही, बोली एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स, ठीक सर। आए सर ये दोनों को एक साथ रख लो, रख लो भोला, क्या दिक्कत है, ये दोनों को एक साथ रख लो, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, नो सर, तो अगर ये दोनों को एक साथ रख लोगे भोला, तो यहाँ से एक्स कॉमन लोगे तो नहीं ना हो पाएगा जी, मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना, आप यहाँ से ज्यादा ज्यादा कर सकते हो, एक्स वाले को एक साथ कर दो, यहाँ एक्स या ये एक्स, मतलब क्या सर, क्या सर, आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स आई प्लस बाई बाबू माइनस एक्स बाई, मतलब ई दोनों को सर, एक्स वाले को एक साथ, बाई वाले को एक साथ, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ हमने क्या किया, एक्स बाई वाले को एक साथ रखा, अब बाई एक्स वाले को ऐसे छोड़ दिया, आपको मन है सर एक्स और एक्स वाले को एक साथ रखो, निको शैतान क्या करा, निको ढूंढ देंगे बोला, और ये बाबू बाई बच गया सर, माइनस एक्स बाई बच गया, अभी दोनों में क्या कॉमन होगा, सोचो सोचो सोचो, एक्स स्क्वायर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई, अब ये दोनों का कॉमन करो, ग्रुपिंग करो, ये दोनों को एक ग्रुप बना दो, ये दोनों को, ठीक, ये दोनों हो गया, फाइन नो सर, तो इसमें से बाबू एक्स, यहाँ से देखो एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस हुआ एक्स है, ठीक, तो एक्स दोनों जगह प्रेजेंट है ना, तो ब्रैकेट देंगे, एक्स दोनों जगह प्रेजेंट है, तो एगो एक्स बाहर हो गया, क्या बच जाएगा, एगो एक्स बच जाएगा, आई एक्स बाहर चल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहीं पे सोचना है, यहाँ से एक्स बाहर चल गया माइनस है, तो एक्स बाहर चलेगा तो क्या छोड़ेगा, वन छोड़ेगा, क्या यहाँ पे बचेगा, वन बचेगा, क्यों बाबू, क्योंकि एक्स के साथ नहीं कुछ है तो वन मल्टीप्लाई होता है, एक्स के साथ नहीं कुछ है भोला, मतलब क्या होता है, वन मल्टीप्लाई होता है, मन से पढ़ना जी, सब शैतानी हो सब, सबको दिक्कत होता, तो एक्स बाहर हो गया, तो यहाँ से एगो एक्स यहाँ रह, ये हो गया, इसमें से क्या बाहर होगा सर, सोचो सोचो, बाई बाई दोनों जगह, तो ब्रैकेट देंगे, बाई बाई है तो बाई बाहर कर दो, कॉमन कर दो, दो दो का ग्रुपिंग करो, उसके बाद कॉमन कर दो, बाई बाहर हो गया, अब बाई के बाबू यहाँ पे समझना, बाई तो बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो बाई के साथ नहीं ना कुछ होता बाबू, तो क्या समझा जाता, वन मल्टीप्लाई समझा जाता, बाई बाई तो बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वन लिखोगे,
माइनस बाई बाहर हो गया तो एक्स बचेगा तो एक्स हो गया। फिर देखो सर यहाँ एक्स माइनस वन, यहाँ वन माइनस एक्स हो गया, मामला गड़बड़ा गया। यहाँ क्या हो गया सर, एक्स माइनस वन है और यहाँ वन माइनस एक्स है, तो इसको भी वन माइनस एक्स कैसे करेगा, एक्स माइनस वन है ना तो इसको भी एक्स माइनस वन करो, तो माइनस इसे कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस बाहर लोगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वन अब प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस बाई इंटू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन हो जाएगा, है ना। हाँ सर, एक्स माइनस वन दोनों जगह है तो ये कॉमन हो जाएगा, जो चीज दोनों जगह रहेगा वो कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन कॉमन हो गया, क्या बचेगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वन कॉमन हो गया, यहाँ से एक्स बच गया, यहाँ से वाई बच गया। तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आप ऐसे भी करोगे वही आंसर आएगा, ऐसे भी करोगे वही आंसर आएगा, तो यही होता है बाबू ग्रुपिंग करके। लिखो लिखो, धीरे धीरे हम लोग लेवल राइज करते चलेंगे, है ना। कहा अंशुजीत कहाँ गया था, घूमने गया था जी अंशुजीत, ए अंशुजीत शैतान घूमने चल गया था जी। बैच बी में वो 40 मार्क का अदिति का और एगो किसका 40 था जी, या दीदी वीडियो ऑन करो जी, लव शैतान ऑन करो, बाबू लव बाबू ऑन करो, ये सब शैतान वीडियो बंद करके गाली, स्वराज बाबू ऑन कीजिए वीडियो जी, आ कल 9 बजे कहाँ गया तो स्वराज, क्या सर 9 बजे कहाँ गया था जी, सर क्या, कल 9 बजे बाबू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाबू पढ़ा रहे थे, 9 बजे कल सर नौ सर मुझे तो 9th क्लास का ये करना है सर क्लास। अच्छा बालू आपको 10th वाला नहीं ना करना। हाँ बाबू, सर अभी वाला ही करना है सर। हाँ बाबू, हाँ बाबू, ये यस ओके बाबू कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। सर। एगो अपना टाइम बता दीजिए बाबू, आपका एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं एक्सपोनेंट पावर का, बहुत सारा बच्चा गड़बड़ा देता है, कल भलू का नुस्खा आज नहीं ना, वो उसको भी आने दो, कल सबसे पूछ लेते हैं। आपको भी लक्ष्मी बाबू थोड़ा सा कर लेना, एका एका सप्ताह कर लोगी एक्सपोनेंट पावर वाला, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मनीषा साहू कर लेगी, स्वराज कर लेगा, हर्षित कर लेगा, ये सब जो जो है बाबू, लव के जरूरत नहीं है, अंशुजीत के नहीं जरूरत है, बाकी सब कर लेगा, निकू का तो क्लासे रहता है, रौनक आप भी कर लेना, है ना, मोनू भी कर लेगा, खाली लव लव की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ाएं बहुत बार पढ़ाएं। नेक्स्ट बोला जल्दी लिखो इसको, इंटरनेट जल्दी लिखो वो अगला नंबर 77 नंबर, आई सर, हाँ सर, की सर, 77 नंबर, देखो 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 देखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, आ रोना नहीं है स्मायरा भोली, नहीं भी समझ में आता तो रोना नहीं बाबू, डटे रहना है, आज नहीं समझ में आएगा, 1 महीने के बाद बेसिक स्ट्रांग होगा, अपने आप समझ में आने लगेगा, थोड़ा सा बेसिक कमजोर है बाबू, क्या करोगे, आपकी गलती, आ जाता है, अच्छी बात है, तो आ जाता है तो खुशी की बात है। ठीक ठीक भोला, देखो रोशनी बाबू आप लोग की गलती नहीं बाबू, 99% बाबू सारे बच्चे का यही हाल है, खाली सब बाबू क्या करोगे, बिल्डिंग के पीछे दीवाना हो ले। नेक्स्ट बाबू 77 नंबर, क्या है सर, एक्स क्यूब माइनस 2x² बाई है बाबू, प्लस 3x² है, क्वेश्चन आप लोग सारा लिख लियो, जो नहीं लिखा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ बैच बी के नाम से वहां से लिख लीजिएगा,
-6π³ है। इसको करा फैक्टर करने के लिए, क्या करने के लिए, फैक्टर करने के लिए। तो मेरा बच्चा डरेगा नहीं डरेगा? देखो बाबू क्या करोगे, ग्रुपिंग करो। तो मान लेते सर आप किसी को भी ग्रुपिंग है ना इस तरह से करना बाबू कि कुछ कुछ कॉमन हो जाए। तो ये दोनों को ग्रुप, यहाँ भी एक्स वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है, सब ये दोनों को ग्रुपिंग कर दो। देखो यहाँ बाबू 3 6 है, यहाँ भी बाई का टर्म है, बाई का टर्म है। तो ये ग्रुपिंग कर दो, इसको एक ग्रुप, इसको एक ग्रुप। अब इस ग्रुप में क्या कॉमन है ना, वो कॉमन ले लो। इस ग्रुप में क्या कॉमन है, कॉमन वाला कंसेप्ट लगा दो, बस यही करना रहता है। तो सोचो सोचो क्या सोचोगे, एक्स क्यूब है और 2x² है। तो सोचो ना बाबू, ब्रैकेट दो, लिखना नहीं है जी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अब सोचो, डायरेक्ट सोचो ना, कितना थकाओगे। x³ है और यहाँ x² है, तो क्या यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखाएगा? x³, x² छोट का पावर बाहर लिखना। और नहीं सोच हो तो बच्चा की तरह करो मनीषा साहू, x³ को क्या लिखोगे, x मल्टीप्लाई 3 बार करोगे, है ना? हाँ जी, -2 × x² को क्या लिखोगे, x मल्टीप्लाई x। सर जूम कीजिए सर, ना आवाज आ रहा है ना स्पीक चला रहा है। हाँ भाई नया आवाज जा रहा मनीषा साहू, तब बोले। आ रहा है सर, सर ना आ रहा ना पिक्चर। सर ऐसा अपना नहीं जा रहा जी, बोली इसका नेटवर्क खराब होगा, डाटा खत्म कर देगा बहुत, तो नेटवर्क खराब होगा ना एयरटेल का टावर खराब हो गया, पूरा बच रहा है। जियो कर लो। 3 हो गया, x हो गया, पाई स्क्वायर है, मतलब क्या करोगे, बाई 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। माइनस 6 को कम कैसे, कीजिए सर, कम सर। टू मल्टीप्लाई 3 इंटू बाई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई, बाई के पावर 3 कैसे, बाई मल्टीप्लाई बाई, है ना? अरे HD जूम करेंगे बोला तो फिर बाबू वीडियो लाइक करता, जूम सिर्फ लिखने के लिए किया गया है ना? जूम है जो, जूम का आपको बाबू फुल HD का जो है ना कैमरा बाबू, उसमें कैमरा डायरेक्ट ओपन होता शेयर करके। तो अभी हम लोग के पास 5G है ना, मैक्सिमम के पास 4G आएगा, जब 6G आ फोर जी जाएगा बाबू पकड़ चाहे, रहा है था ना, अच्छे से बाबू 5G आ जाएगा ना, तो बाबू डायरेक्ट कैमरा करोगे तो HD में दिखाई देगा। अभी वो वाला मोड करेंगे ना तो वीडियो मेरा लाइक करेगा, है ना, रुक रुक के चलेगा, है ना? ठीक, अभी ब्लू वाला में क्या कॉमन है सर, ब्लू वाला में क्या कॉमन है, सोचो सोचो। एगो एक्स मिल गया, हाँ, दूसरा एक्स मिल गया, हाँ, ब्रैकेट देंगे, हाँ, एगो एक्स, दूगो एक्स बाहर हो गया, हाँ, तो दूगो एक्स बाहर गया तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, -2 हो गया, यहाँ एगो बाई बच गया, है ना? हाँ सर, ये हो गया बच्चा वाला पढ़ाई, है ना बाबू? PLKG का भी बच्चा रहेगा तो समझ जाएगा। यहाँ सोचो सोचो क्या होगा, क्या क्या चीज मिल रहा है, 3 मिल गया, घेरा लगा देना, क्या मिल गया, बाई मिल गया, बाई मिल गया, दू गो बाई मिल गया, दू गो बाई मिल गया, तो ये हो गया बच्चा वाला, ब्रैकेट देना, बच्चा क्या मिला, 3 मिला, दू गो बाई, बाई मल्टीप्लाई बाई कितना, बाई स्क्वायर, एक्स बच गया, माइनस क्या बच गया, 2 बाई बच गया, है नो सर। देखो देखो यहाँ x-2y, यहाँ x-2y, अब यही ना सेंट का वाला करवाएं कॉमन ले, ये दोनों जगह प्रेजेंट है कि नहीं, एक्स माइनस इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लेंगे। तो जो पहला था मनीषा साहू, उसका वीडियो आज वाला देख लीजिएगा, कल वाला क्लास वाला, वो तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो इसी उल्लू जुल्लू और बुल पिस्टोल होते रहोगे। x-2y x-2 दोनों में जगह है ना सॉल्व, तो इसको ब्रैकेट के x-2y ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, तो x-2y बाहर हो गया, तो ये वाला टर्म बाहर हो गया, ये वाला टर्म बाहर हो गया, तो क्या बच गया, x मल्टीप्लाई x कितना, x² x मल्टीप्लाई कितना, x² हो गया, ये वाला बाहर हो गया तो क्या बचेगा, +3π² बचेगा। तो यही होता है ग्रुपिंग, हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया बाबू, ये दोनों को एक को ग्रुप बना दिया, ये दोनों को ग्रुप बना दिया, है ना, ग्रुप बना के उसके बाद कॉमन अप्लाई कर दिया। हाँ सर, लिखो भोला, तो इसका फैक्टर ये होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, ये होगा, है ना, बहुत ही यूज होता है ये सब। लिखो अगला सिखाते हैं, सर एक और बताते हैं। ए कृतिका नहीं दिख रहा, बोले देख रहा है, हाँ बाबू, रो रही हो कृतिका, ना रो, बोलिए। गला बैठ,
कितना चाल से आ रहा है। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू, अब बुलावा आया बाबू कहाँ के, कतरी सराय के। संडे को ही जाएंगे बाबू, टाइम है कब भोला। पृथ्वी पैसा कोई टीचर होंगे सर कि नहीं भोला, कि बाबू कभी किसी के पास जाता है कोई। हम लोग अपने एक्सपेंसेस अपने खर्चे पे जाइए, बच्चा को धुनिए घर पेट दें, तो पढ़ेगा नहीं। जल्दी लिखे जी। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, जल्दी लिखो स्माइरा, फिर जल्दी मौसम लिखो। हमारे बैच का टाइम हो गया। ठीक शैतान अभी नहीं बाबू, अभी 7 मिनट बच रहा। जल्दी लिखो, 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 जल्दी जल्दी जल्दी। x³ + x-3 x² - 3, मेरा बच्चा सर, डरेगा। जुम्पर। जल्दी 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 लिखो मनीषा साहू, पेयर करो, गठबंधन करो, आंसर लूटो, जोड़ा बनाओ, आंसर लूटो, सारे जगह सारे क्लास में जोड़ा। ये दोनों का जोड़ा सर, ये दोनों का जोड़ा है ना। हाँ सर, तो x³ i x है, तो इसको कैसे करेगा भोला मेरा, x³ को क्या लिखेगा, x·x·x, अब प्लस क्या x। हाँ सर, नेक्स्ट भोला, यहाँ पे क्या −3 x² है, −3 है, ये दोनों में से क्या कॉमन हो गया भोला, क्या मिल गया, एगो x मिल जाएगा, तो ब्रैकेट देगा बाबू मेरा, x x मिल गया बाहर, x·x अंदर रह जाएगा, एक्स एक्स मिल गया बाहर सर, तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स, ये दोनों एक्स अंदर चल जाएगा ना। हाँ सर, प्लस अभी एक्स बाहर हो गया है, तो क्या बचेगा यहाँ, ये एक्स बाहर हो गया तो यहाँ से क्या बचता, वन बचता, ये ध्यान देना ठीक। इसमें देखो 3 3 है बाबू। हाँ सर, तो 3 बाहर ले लोगे, ये तीन तीन ना सेम है जी। हाँ सर, तो x² होगा। आई 3 बाहर हो गया, तो 3 बाहर हो गया तो 3 के साथ नहीं कुछ होता, 1 मल्टीप्लाई होता, इसीलिए क्या बचेगा, -x² वन बचेगा। सर, सर, बात तो सही। -x² अच्छा जी ठीक, अब यहाँ पे सोचो मेरे लाल, क्या सोचेंगे सर, देखो यहाँ पे अंदर क्या, एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना, x² हो जाएगा, +1 है, तो यहाँ भी वो −3 −3 दोनों में जगह माइनस माइनस है ना, ये माइनस माइनस दोनों जगह, तो आगे क्या ले लोगे, −3 −3 कॉमन ले लोगे, है ना, ये ध्यान देना, छोटी मोटी बात है, −3 −3 हो गया सर, तो −3 बाहर हो गया, तो यहाँ से x² बच गया, यहाँ से −3 बाहर हो गया, तो बीच में क्या बचेगा, माइनस जब बाहर हो जाएगा तो प्लस बचता है, प्लस बचेगा, है ना, x·x कितना सर, x² x² + 1 −3 × x² + 1, एक और सीन में बताइए। x² + x² दोनों जगह भोला, है ना। हाँ सर, अब कौन लगाओगे, कॉमन ले लो बाबू मनीषा साहू, x² + x² दोनों जगह है ना जी। हाँ सर, यहाँ भी x² + 1 है, x² + 1 है, तब ब्रैकेट देंगे, अब ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, x² + 1 लिखेंगे, इसे ब्रैकेट दे देंगे, तो ये वाला बाहर हो गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, ये बाहर हो गया तो क्या बचेगा, −3 बचेगा, तो इसका फैक्टर करोगे तो यही होगा, बच्चा बच्चा है, अब आप लोग लिखो, तो थोड़ा दिमाग 81 बाबू, क्या करोगे बाबू, 81 क्वेश्चन नंबर कौन से 81 बताएंगे, टेंशन का लेते बाबू, जिंदगी ना। 78 79 करना, दो तीन को करना बाबू, 80 करो, 81 छोड़ो, 84 भी बाबू नहीं आप लोग से भी होगा, दुइये गो जी, 83 तो हो जाएगा बाबू, 83 हो जाएगा, ये तीन को करना बाबू। रौनक आपका होमवर्क नहीं आता जी, रौनक
आपका रौनक किस क्लास में किसका किसका नहीं आया है? निक्कू का नहीं आता, लक्ष्मी का नहीं आया है, सेजल का नहीं आया है, हर्षित का लगता भेजा, शिवेंदर, ये दोनों पे डाउट है, देखना पड़ेगा। ये रौनक होमवर्क का नहीं भेजता, वो पापा जी को फोन करना पड़ेगा जी। रौनक फोन करना पड़ेगा बब्बू, आप लोग बब्बू ये हो मैंने पिटाइए से सुनिएगा। 9 का बच्चा ही सब चले बबू, चाहता है बबू कि जूता चप्पल हमको गार्जियन करें। आज ना एगो के बबू बेलना से लग रहा था, मार के मम्मी धो दी, शैतान खेल रहा था गेम, बोल रहे थे सुनिए नहीं रहा था, फोन किए पकड़ा गया कुटा गया। ठीक ठीक है सर, जा रहे है जाइए।